श्री सेन रामकथा समिति ब्यावो के तत्वावधान में शाहपुरा मोहल्ला एस सनातन विद्यालय में आयोजित कथा के तीसरे दिन शिव पार्वती द्वारा राम दर्शन प्रसंग विस्तार पूर्वक सुनाया गया। कथावाचक संत सत्य गोपाल राम महाराज ने रामकथा के दौरान शनिवार को श्री राम परिवार के बाल्य रूप का वर्णन किया तथा शिक्षा क्षेत्र में गुरुकुल से जुड़े प्रसंगों पर प्रकाश डाला। संत ने कहा कि गुरु वशिष्ठ द्वारा श्री राम का नामकरण किया गया। इस दौरान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के बाल्य रूप की जीवंत झांकी का प्रदर्शन किया गया। संत ने कथा के दौरान कहा कि जानवर को सदैव अपने पिछले जन्म का ज्ञान होता है, लेकिन मानव को नहीं होता। संत ने कहा कि आत्महत्या को पाप माना गया है, ऐसे कदम उठाने से सदैव प्रेत योनि मिलती है। उन्होंने कहा कि गुरु सदैव गुरु दीक्षा में भक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कथा के अंत में भगवान श्री राम दरबार की आरती उतार कर प्रसाद का वितरण किया गया। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3-5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड शॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई। हाथों में सोने के कंगन और गले में हीरो का हार, कृष्णा ज्वेल्स का लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन त्योहारों में करे आपका सच्चा श्रृंगार। 3-5 अक्टूबर तक ग्रैंड एग्जीबिशन एंड ज्वेलरी पर स्पेशल ऑफर्स एंड शॉर्ट गिफ्ट्स के लिए विजिट कृष्णा ज्वेल्स, होटल राजमहल प्रीमाइसेस ब्यावर, TNC अप्लाई।